अस्सलाम वालेकुम। जो शहर एक से ज़्यादा करीब है उसे फिर दर्द तलाश क्या करना। जो तुम्हारे दिलों में बसता है वो दिलों के दर्द से बेखबर कैसे हो सकता है। आजमाइश से निकालने वाला भी वही है, तो ज़्यादा सोचकर ख़ुद को परेशान क्या करना। आजमाइश उसने ही दी है तो आजमाइश से ना निकाले ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कुरान में कह दिया, मांगो मुझसे मैं दूंगा, फिर उसकी कबूलियत पर शक क्या करना। तुम सच्चे दिल से उससे मांगो वो अनसुनी करते ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह सब देख रहा है, फिर लोगों की बातों की परवाह क्या करना। मकाफात अमल अटल है, कोई तुम्हें बेसकून करके खुद सुकून से रहे ऐसा कैसे हो सकता है। होगा वही जो तुम चाहते हो, फिर उसकी देर को इनकार क्या समझना। इतने सब्र के बाद वो बेहतरीन से ना नवाज दे ऐसा कैसे हो सकता है। मंजिल तो तुम्हारी अल्लाह है, फिर रास्तों की दुश्वारियों से क्या डरना। तुम उससे उसी को मांगो और खुदा तुम्हारा ना हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है। उसे हाल दिल सुनाओ जो सुनता समझता है, फिर लोगों को बता के क्या करना। तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारी पुकार का जवाब ना दे ऐसा कैसे हो सकता है। जो है वही बेहतरीन है, फिर हासिल को छोड़कर ला हासिल के पीछे क्या भागना। अगर उसने कुछ कर लिया तो किसी भी ज़रिए से वापस ना लुटा दे ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, फिर दुनिया के आरजी सहारों के पीछे क्या भागना। उसका साथ तुम्हारी दुनिया आखरत ना संवार दे ऐसा कैसे हो सकता है। जब जब ठोकर खाई है आपने ही संभाला है, बेरे अल्लाह बेरे बिखरे वजूद को आज आपने ही समेटा है, बेरे अल्लाह। क्या पता तुम्हारे इंतज़ार का अजर तुम्हें मिलने ही वाला हो। क्या पता अल्लाह तुम्हारी कहानी मौजज़े से मुकम्मल करने वाला हो। जो आंसू तुमने तहज्जुद में बहाए हैं उनका अल्लाह के पास कोई तो सिला होगा। सब्र वक्त मांगता है और वक्त सब्र मांगता है।